तो सबसे पहले देखिए, ये है हमारे पास 1 kg मैंने ली थी ये वाले माँ, इस तरह से जो दले हुए माँ होते हैं वो मैंने लिए थे, जिसे शायद उड़द की दाल बोलते हैं। तो इसको मैंने सुबह ही उठते ही भिगो दिया था। तो ये देखिए, इसकी छिलका जो है हमें अलग करनी होती है। इसका मेन रीज़न यही होता है कि इसको हमने भिगो कर रखनी होता है। कम से कम आप इसको 5-6 घंटे भिगो के रखिए, और उसके बाद जब आपने इसको वॉश करना है, ये जो छिलका है मोस्टली इसमें से अलग हो जाना चाहिए। तो मैं इसको पहले भी धो चुकी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके कितने सारे छिलका हैं, ये सारी छिलका है। तो इसको हमने निकालना होता है, इसको बस इस तरह से हमने करना है, हिलाना है, और छिलका जो है अपने आप निकलता रहेगा। ये देखिए इस तरह से। ट्राई करेंगे, एक बर्तन आपका खुला हो, मेरे पास और था नहीं तो मैंने इसमें इसको रहने दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा फूल जाता है भिगोने के बाद। इस तरह से देखिए, और भी इसमें हमने इसको पानी में वॉश करने साथ में ये छिलका निकालना है। देखिए ऊपर ऊपर जो है इसके सारे छिलका हैं। तो देखिए इस तरह से है, कुछ ये बन चुके हैं, थोड़ी सी भी बीच बीच में कहीं कहीं पर छिलका है, तो उसको हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो इस तरह से इसका हमने स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है, बीच में ज़्यादा मोटे मोटे दाने नहीं, बारीक तो चल सकते हैं। तो इस तरह से बनाना है। मैंने इसका एक जो है राउंड दे दिया है, अभी मैं सेकेंड राउंड आपके सामने करूँगी। ये देखिए इसमें ना थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए, जिससे कि ये आसानी से पिस जाएगा। पर ली है मैंने 1 kg से कम चीनी, ये बारीक वाली चीनी है, देखिए इतनी मैंने कम ली है 1 kg से। और इसमें मैं डालूँगी ये पानी, हाफ कटोरी से भी कम पानी मैं डाल दूँगी। देखिए इस तरह से, अब इसको हम रख देते हैं इस तरह से पिघलने के लिए। इसकी हम चाशनी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बनाएंगे हम पकोड़े, इस तरह से जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा पेस्ट हम देसी घी में डीप फ्राई करते जाएंगे। तो कढ़ाई में मैं 1 देसी घी गरम कर लूँगी, जो देसी घी है वो भी 1 kg से कम ही लेना है, जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमने देसी घी लेना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमें इस तरह से इसको मसलना है। तो इसको ठंडा नहीं होने देना है बिल्कुल। देखिए इस तरह का हमने कुछ तैयार करना है मटेरियल। अगर इसको हम पूरा ठंडा कर लेंगे तो ये हार्ड रह जाएगा और ये स्मूथ नहीं बनेगा। तो इस तरह से, एक तरह से एक आटा टाइप का इसका गूंद के हमने इसको बारीक बारीक देखिए इस तरह से कर लेना है। तो बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं और
इसमें मैं और डालूंगी किशमिश। बाकी इसमें काजू हैं, बादाम और नारियल को मैंने इस तरह से क्रश किया हुआ है। तो एक बड़ी सी कढ़ाई ली है मैंने, बर्तन जितना ज़्यादा खुला होगा उतना ही अच्छा होगा। तो ये देसी घी में मैंने जो डीप फ्राई किया था माँ के पकौड़े को, तो थोड़ी सी पहले हम सूजी को यहाँ पर भून लेते हैं। सूजी ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इससे थोड़ा सा क्रंची बन जाता है। देखिए इस तरह से अब मैं इसमें मिक्स करूँगी। अभी आप देख रहे हो थोड़ा ये फूले फूले से हैं, जैसे हमें घी कम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे से जब पकने शुरू हो जाएंगे तो ये अपने आप बैठ जाएंगे और घी हमारा प्रॉपर इसमें मिक्स हो जाएगा, तो बिल्कुल भी हमें कम नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे ये देखिए इस तरह से भून रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको बिल्कुल इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भून चुके हैं, यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आधा घंटा या आप थोड़ा सा ज़्यादा भून सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बस इसको जो घी होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। यहाँ पर चाशनी मैंने रख दी है सिम गैस पर, इसको हम पिघलने देंगे। और ये हमारा जो पक रहा है माँ की, उसके बाद और अभी मैं ड्राई फ्रूट मिक्स करूँगी चाशनी में, और दोनों को मिक्स करके हम उसमें माँ में डाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारे ये माँ जो हैं पक चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई कमी पेशी नहीं है। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी जो माँ की पंजीरी है बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये जो पंजीरी है मैंने सीखी अपनी मम्मी और मेरे जो नाना जी थे उनसे सीखी थी। मेरे नाना जी ने अपने एक दोस्त जिनकी स्वीट शॉप थी उनसे सीखी थी, तो ऐसे ही मेरे नाना जी बनाया करते थे, मेरी मम्मी को सिखाया उन्होंने, तो साथ साथ में मैं भी इसको देखती थी, तो जिससे कि ये मुझे भी आ चुकी है। तो अभी मैं हर साल इसको बनाती हूँ। तो चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो देखिए इस तरह से हमने जो हमारी माँ की मटेरियल इसमें मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के बाद देखिए पंजीरी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।